हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग को पता है कि मैं अभी अपने मायके एंड ससुराल आई हूँ और अभी हूँ मैं अपने मायके में और ये है मेरे मायके का किचन, यानी सबसे फेवरेट स्पेस मेरे घर का। मुझे ये जगह बहुत ही ज़्यादा पसंद है क्योंकि इसे मैंने खुद ही डिज़ाइन किया है। जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो मैं इसे बहुत ही अच्छी तरह से रखती थी, बट अब मेरे घर में सिर्फ मेरे मम्मी एंड पापा हैं और मम्मी के भी एज हो गई है, कुछ उनकी हेल्थ इशू रहती है, तो ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मैसी हो जाती है, उन्हें टाइम नहीं मिलता इन सारी चीज़ों को अरेंज करने का। तो जब भी मैं अपने घर आती हूँ तो इन सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज करके जाती हूँ, बट हर बारी ये चीज़ें बिगड़ जाती है। बट इस बारी मैंने सोचा कि कुछ ऐसे टिप्स एंड हैक्स अप्लाई करूं कि मैं नेक्स्ट बार जब आऊं तो मुझे फिर से इन सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज ना करना पड़े। तो अभी तो मैं शायद 10 महीने के बाद आई हूं, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें मैसी हैं। आपको पूरा किचन का मैं टूर दिखा देती हूं। ये किचन आप देख सकते हैं, मम्मा के पास बहुत ही अच्छे अच्छे कंटेनर एंड जार हैं, बट सही तरह से नहीं रखने के कारण ये काफ़ी अनऑर्गेनाइज नज़र आते हैं। आपके साथ भी ऐसी प्रॉब्लम ज़रूर होती होगी, आपके पास अच्छे अच्छे कंटेनर होते होंगे, अच्छे अच्छे जार होते होंगे, बट हम उन्हें सही तरह से नहीं रख पाते हैं। तो वही सारी चीज़ों की आज मैं आप लोग की आइडिया शेयर करूँगी। मॉड्यूलर किचन में क्या होता है कि अपर वाले सेल्फ को चीज़ें लेने में हमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, अंदर का जितना स्पेस होता है वो पूरी तरह से यूज़ नहीं हो पाता है। तो यही सारी चीज़ों को प्रॉब्लम का सोल्यूशन है आज की इस वीडियो में, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। चलिए आज का ये बहुत ही यूज़फुल वीडियो में स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। आपको दिख रहा होगा सारी चीज़ें एज इट इज़ रखी हुई है, कोई इसका ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। तो सारी चीज़ों को पहले मैं बाहर निकाल रही हूँ और इसे मैं अच्छी तरह से पहले क्लीन कर लेती हूँ क्योंकि बहुत सारी चीज़ें नीचे गिर चुकी है। तो यहाँ पर झाड़ू देने के बाद मैं इसे एक वेट क्लोथ से अच्छी तरह से वाइप आउट करूँगी ताकि ये पूरी तरह से क्लीन हो जाए। नेक्स्ट, सारी चीज़ों को मैंने यहाँ पर जमा कर लिया। आप देख सकते हैं बहुत सारे कंटेनर ऐसे हैं जो टूट चुके हैं, तो उन्हें हम डिस्कार्ड कर लेंगे, बट मैं इसे फुल्ली डिस्कार्ड नहीं करूँगी, इन सारे कंटेनर का मैं दूसरी जगह रिसाइकिल करूँगी। तो फिलहाल आप देख सकते हैं मम्मा ने जो डब्बा मिला है, जिस तरह का डब्बा मिला है, उन्हें एज इट इज़ यूज़ किया है, बट सारी चीज़ों को हम नहीं डिस्कार्ड करेंगे। जो चीज़ मुझे खूबसूरत लग रही है वो चीज़ को मैं रखूँगी। एंड होता क्या है कि एक ही चीज़ दो तीन डब्बों में चली जाती है, कभी हमें डब्बा नहीं मिलता है तो हम नए डब्बे को यूज़ कर लेते हैं, तो इस तरह एक चीज़ दो तीन डब्बों में भी चली जाती है और वो स्पेस कंज्यूम करती है। तो सारी चीज़ों को एक ही जगह लाने का मेरा ये पर्पस था कि मैं हर चीज़ को बारीकी से देख सकूँ, समझ सकूं कि क्या चीज़ की ज़रूरत फ्रिक्वेंट पड़ती है, क्या चीज़ को हम थोड़ा सा अपर सेक्शन में भी रखेंगे तो वो काम चलेगा। तो यहाँ पर मैंने एक इस तरह का एक ऑर्गेनाइज़र लिया है, इसमें मैं छोटे छोटे वाले जो कंटेनर होते हैं, जो छोटे छोटे जार होते हैं जिसमें हम जीरा, राई, लाल मिर्च वगैरह रखते हैं, जिन चीज़ों की ज़रूरत हमें अपने किचन में फ्रिक्वेंट पड़ती है, वो सारी चीज़ों को मैं इसमें रख रही हूँ। नेक्स्ट, मैंने एक और बड़ा ऑर्गेनाइज़र लिया। इस वाले ऑर्गेनाइज़र में मैं कुछ लाल बादाम हो गया, राजमा हो गया, मूंग हो गया, धनिया हो गया, ये सारी चीज़ों को रख रही हूँ, जिनका यूज़ हमें डेली तो नहीं पड़ता है लेकिन हमारे किचन के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड इस वाले डब्बे में सूजी है, अब मुझे मम्मा ये वाला डब्बे फेंकने नहीं दे रही है, बोला कि अगर तुमने इसे फेंका तो बहुत बुरा होगा, तो मैंने इसे नहीं फेंका है, मतलब डिस्कार्ड करके नए कंटेनर में नहीं भरा है, एज इट इज़ उसे यूज़ करिए, बट ये भी काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रहा है। एंड मम्मा के पास इस तरह के बहुत ही क्यूट क्यूट कंटेनर हैं, तो ये इसमें ईजिली अटैच हो जाएंगे, ये इसमें ईजिली आ जाएंगे। इसमें मम्मा गरम मसाले वगैरह रखती है, आप देख सकते हैं। तो इस ऑर्गेनाइज़र में साइड में स्पेस बची है जिसमें ये वाले जार अच्छी तरह से फिक्स हो जाएंगे। तो जिस जिस चीज़ को हमने ऑर्गेनाइज़र में रखा है, ऑर्गेनाइज़र को हम अपर सेक्शन में रखेंगे। यही हम गलती हमेशा करते हैं कि हम ऑर्गेनाइज़र में चीज़ों को रख के उसके नीचे वाले सेक्शन में रखते हैं, जिस कारण से वो सही तरह से यूज़ नहीं हो पाता है। मेरी मम्मा की हाइट भी थोड़ी छोटी है तो उन्हें अपर सेक्शन में चीज़ें लेने के लिए दिक्कत होती है, तो इसलिए मैंने ऑर्गेनाइज़र में रखा है ताकि सिर्फ ऑर्गेनाइज़र को निकाले वो और जो चीज़ उनसे लेना हो वो ले एज इट इज़ उसमें रख के वो इसे ईजिली ऊपर सेक्शन में रख सके। नीचे वाले सेक्शन में मैं बड़े बड़े जार्स रख रही हूँ, जैसे हो गया दाल हो गया, चना दाल हो गया, ओट्स हो गया, और भी जो जो चीज़ होते हैं जो बड़े वाले डब्बे में, यानी एक लीटर वाला डब्बा जो होता है, वो वाली चीज़ों को मैं नीचे वाले सेक्शन में रख रही हूँ क्योंकि नीचे वाले सेक्शन में हम आसानी से चीज़ों को ले सकते हैं। अब मेरे किचन में इस तरह के गोल वाले ऑर्गेनाइज़र हैं जिसमें मम्मा ने पोस्ता, गोल मिर्च वगैरह रखा है, तो ये सारी चीज़ों को मैं इसमें सामने लगा के रख दूँगी।
ये देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत लगता है, प्लस इस तरह के कलरफुल ऑर्गेनाइजर और इस तरह के कलरफुल ऑर्गेनाइजर आपके किचन के लुक को काफी ज्यादा इन्हांस कर देते हैं। तो हो गया कंप्लीट, आप देख सकते हैं अपर सेक्शन में मैंने ऑर्गेनाइजर को रखा है, नीचे वाले सेक्शन में मैंने अपने दाल चावल वगैरह को रखे हैं। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट ऑर्गेनाइजर की तरफ। ये वाले ऑर्गेनाइजर में मैं जो जो चीज़ बड़े डब्बे में है यानी 750 ग्राम का जो कंटेनर होता है वो सारी चीज़ों को रख रही हूँ। इसके आगे वाले सेक्शन में मैं किचन के जो इसेंशियल सामान होते हैं जैसे ये कॉफ़ी हो गया, टी वाला जार हो गया, शुगर वाला जार हो गया, तो चीनी चाय पत्ती की ज़रूरत हमें दिन में 2-3 बार पड़ी जाती है, तो इसलिए इन सारी चीज़ों को मैं आगे रख रही हूँ। नेक्स्ट इसके अपर वाले सेक्शन में भी मैंने सेम चीज़ को अप्लाई किया है, बस ऑर्गेनाइजर को ऊपर ले जाके रख दिया है। इस तरह से रखने से बस इस ऑर्गेनाइजर को मम्मा को निकालना होगा और सारी चीज़ें एज इट इज़ ऑर्गेनाइज रहेगी, और मैं जब नेक्स्ट बार आऊँ मुझे फिर से इस किचन को ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये वाला भी कबर्ड अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज हो गया है, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट कबर्ड की तरफ। तो इसे सबसे पहले क्लीन कर लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें बहुत ही मैसी तरह से रखी गई है। तो क्लीन करने के बाद इस तरह के जो गोल वाले जार, मम्मा एंड अपने व्यूअर्स को मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि कोई भी गोल तरह का ऑर्गेनाइज़र ना खरीदे। गोल ऑर्गेनाइज़र, सर्किल वाले ऑर्गेनाइज़र जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्पेस कंज्यूम करते हैं, प्लस इसमें किसी भी चीज़ों को रखने में के लिए ये फिट नहीं आता है। कोशिश करें कि आप रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप में ही अपने ऑर्गेनाइज़र को खरीदें। फिलहाल अभी जो चीज़ है उसे ही हमें अरेंज करना है। तो पीछे मैंने बिस्किट का डब्बा रखा है, प्लस यहाँ कुछ बड़े बड़े ऑर्गेनाइज़र रखे हैं क्योंकि ये पूरा लंबे वाले वार्डरोब है, एंड इसके बगल में मैं रख रही हूँ कुछ टिश्यू पेपर। तो इस तरह से मैंने अपने माइके के किचन को कर दिया मेकओवर। कितने ज़्यादा मेसी सारी चीज़ें थी, बहुत सारी चीज़ों को डिस्कार्ड किया, बहुत सारी चीज़ों को अप्लाई भी किया ताकि ये एज इट इज़ ऑर्गेनाइज रहे। तो इस तरह की चीज़ें आप अपने भी किचन में अप्लाई करके इसे लंबे समय तक ऑर्गेनाइज रख सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो जाते जाते इस वीडियो को लाइक करना ना भूले, एंड यस अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूले। चलिए मैं प्रिया आप लोग से फिर से मिलूंगी न्यू वीडियोज़ के साथ, यूजफुल वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।